जो सबसे मेन बात थी वो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे ध्यान क्यों नहीं आया बताने का पहले, कि जो गाड़ी खराब, हाँ सच में गिरने वाली थी बस, क्योंकि उसके टायर बिल्कुल तिरछे हो गए थे, तो मतलब नहीं, तो पौड़ी अभी 9 किलोमीटर है एंड हम पैदल पैदल चल रहे हैं सड़क पे। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को और सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग कुछ ऐसे शुरू हो रहा है रोड पे पैदल पैदल चलते। मैं पैठानी से सुबह 6 बजे निकला था उत्तरकाशी जाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहे तो घर होके आता हूँ, मतलब जब प्रैक्टिकल की डेट आएगी तभी आऊँगा। तो मैं निकला था 6 बजे और क्या हुआ, पौड़ी से पहले 10 किलोमीटर पहले हमारी बस ख़राब हो गई, उत्तराखंड परिवहन की बस थी और वो ख़राब हो गई। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, सब लोग आगे निकल चुके हैं, वहाँ पर हमने 1 घंटे से ज़्यादा वेट करा और कोई गाड़ी नहीं आ रही है बाबू पैठाणी से पौड़ी के लिए। तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं, सब लोग आगे निकल चुके हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, और मैंने यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करा। मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था आज, तो पता नहीं अब मुझे उत्तरकाशी के लिए गाड़ी मिलेगी भी या नहीं, लगता तो नहीं है कि मिलेगी। तो फ़िलहाल अभी मैं पैदल रास्ता नाप रहा हूँ और घंटे से ज़्यादा वेट करा तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अभी अभी सभी लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, इस साइड से तो गाड़ी आ रही है पैठाणी के लिए, लेकिन जो पैठाणी से पौड़ी के लिए गाड़ी कोई भी नहीं है इस वाली रोड पे, मिल नहीं रही है अभी, तो पैदल पैदल जा रहे हैं हम। ये देखो कुछ लोग दिख रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ के, और वो बस डायरेक्ट देहरादून जाने वाली थी, तो उसमें ज़्यादा पैसेंजर देहरादून के ही थे, पौड़ी के भी कम थे। कुछ लोग तो निकल चुके हैं लिफ्ट वगैरह मांग के, लेकिन इस भारी भरकम बैग के साथ कोई लिफ्ट देने को रेडी नहीं है। तो लाइफ में यार ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम इतना लंबा रास्ता पैदल पैदल नाप रहे हैं, वो भी अननोन जगह, अपने गांव में तो हर कोई चलता है इधर से उधर। तो अभी हम मांडो खाल पहुँचने वाले हैं, मांडो खाल पौड़ी से 10 किलोमीटर पीछे हैं, तो मांडो खाल से क्या पता मिल जाएगी कोई, ये देखेंगे हम। इस साइड के लिए पौड़ी, इस बैग ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, बार बार से ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो आजकल किस्मत ही ख़राब चल रही है, एक तो पहले मैं उत्तरकाशी से पैठाणी आया, प्रैक्टिकल कैंसिल हो गए, और फिर अब वापस जा रहा था तो गाड़ी ख़राब हो गई, यानी कुल मिला के किस्मत ही ख़राब है। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे और श्रीनगर से बस है 10 बजे की, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं पौड़ी ही नहीं पहुँचा हूँ पहले, तो श्रीनगर 10 बजे तक पहुँचूँगा। मुझे लगता है आज बहुत लंबा रूट होने वाला है मेरा, और पता नहीं कितने बजे तक मैं उत्तरकाशी पहुंचूंगा। और पहले आप ही सोचो, इतने सुबह सुबह पैदल चलो यहाँ से, लगभग मैं पाँच किलोमीटर से ज़्यादा आ गया हूँ पैदल, मैं क्या सभी लोग। और अगर किसी के पास बैग नहीं है तो बाइक वाले के साथ जा सकता है, मतलब दे रहे हैं उसे लिफ्ट, लेकिन मेरे पास एक इतना भारी भरकम बैग है तो ऐसे में तो कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। और मांडो खाल में पहुंचने ही वाला हूं, तो शायद वहां से कोई टैक्सी मिल जाए पौड़ी के लिए, तो जल्दी से पहुंच जाऊं मैं श्रीनगर, तो श्रीनगर से भी मैं उत्तरकाशी निकल जाऊं 10 बजे के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो किस्मत पे लिखा होता है वही होता है। टैक्सी गई फुला फुल भर के, छत के ऊपर भी गए कुछ लोग और हमें नहीं ले गए, और हमें नहीं लेके गया वो, क्योंकि वो उसका पूरा छत भरा हुआ था तो कैसे लेके जाता, यानी मेरी किस्मत पे और जो ये आगे चल रहे हैं इनकी किस्मत पे भी पैदल लिखा है। और वो छोटा बच्चा भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल आ गया है, हम साथ साथ आ रहे थे पहले से ही, तो देखो कहाँ तक पैदल जाना होता है। और ये बैग देखो, तो ये सामने पे है पौड़ी का सुंदर दृश्य, और वहाँ तक मुझे पहुँचना है जल्दी से ताकि मैं घर जा सकूँ, और यहाँ से होते हुए हम पौड़ी जाएंगे, और यहाँ से पैठाणी थली सेन वगैरह जहाँ जहाँ जाना है मुझे नहीं पता, और यहाँ पे नया वेलकम गेट बन रहा है। तो ये सुंदर दृश्य पौड़ी का, और आज कोहरा कोहरा सा हो रहा है, और उधर जाना है मुझे श्रीनगर। नहीं आ रहा है अभी, मैं मांडो खाल पे हूँ, क्या मैं वापस से पैठाणी जाऊँ या पौड़ी जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पौड़ी से मुझे, मतलब श्रीनगर से मुझे बस मिलेगी उत्तरकाशी के लिए या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या नहीं,
जो भी करूँगा आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। और ब्लॉग में बने रहिए, अगर अभी तक आपने ब्लॉग को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो चैनल बने वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। फाइनली मैं पौड़ी पहुंच गया हूं और पौड़ी से मैं श्रीनगर के लिए बैठ गया हूं बस पर, और टाइम 10 बज चुके हैं और शायद मुझे आज श्रीनगर ही रहना पड़े अगर गाड़ी नहीं मिली तो देखते हैं क्या होता है। मुझे पहुंचा और अब तक सारी बसें मतलब 2 बज जाती है उत्तरकाशी के लिए वो चली गई थी, तो मैंने आज श्रीनगर में फिर से रूम ले लिया है। जिस दिन मैं पैठाणी गया था उस दिन मैं श्रीनगर था, उस दिन मेरे साथ हरदीप था, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। और कल सुबह मैं 5:30 बजे निकलूँगा यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। होप कल सब ठीक हो जाए, और कभी कभी हो जाता है लाइफ में आप फंस जाते हो कहीं ना कहीं, तो मतलब होता रहता है ऐसा। होप आपको ये शॉर्ट ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ शूट करने का मन भी नहीं हुआ मेरा उसके बाद क्या करना था, शूट मूड भी ख़राब हो गया था। तो मतलब अगर आप बीच रोड पे कहीं फंस जाओ और गाड़ी ना मिले आपको तो मतलब पैदल पैदल ही चलना पड़ता है। तो मैं बुआखाल तक पैदल आया, जो पौड़ी साइड रहते हैं उन्हें पता होगा बुआखाल, और बुआखाल से पौड़ी तक मैं टैक्सी पे गया, उसके बाद बस पे आया। और जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो बस छूट गई थी, तो अभी मतलब उसके बाद मैं सीधे सो गया क्योंकि मैंने उल्टी वाली गोली खाई थी जिससे उल्टी ना हो सफ़र में, तो उससे काफ़ी नींद आती है। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं और अभी मैं जस्ट टिकट करवा के आया हूँ अपने लिए उत्तरकाशी की। तो कल तो मैं जाऊँगा उत्तरकाशी, शायद गाँव जाने का मौका भी ना मिले अगर प्रैक्टिकल की डेट ना आ जाए कल परसों में, वरना मेरा मतलब इधर से उधर इधर से उधर हो जाएगा। और शायद अब 20 के ही बाद होने चाहिए, भगवान करे कि 20 के ही बाद हो प्रैक्टिकल। और 26 को हमारा यूटेट का पेपर भी है, उसके लिए भी कुछ नहीं पड़ा, मतलब ऐसी इधर उधर करने में सारा टाइम जा रहा है। खैर जो सबसे मेन बात थी वो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे ध्यान क्यों नहीं आया बताने का पहले, कि जो गाड़ी ख़राब हुई थी तो मतलब गाड़ी क्या ख़राब हुई थी, तो बस थी उत्तराखंड परिवहन की और जिसके पीछे के पट्टे थे वो निकल गए थे, मतलब टूट गए थे। खट खट पहले से ही कर रहा था, मुझे लगा कि मतलब सबको लगा कि ऐसी कर रहा होगा, तो जैसे वो मतलब नीचे गिरने वाली थी बस, हाँ सच में गिरने वाली थी बस, क्योंकि उसके टायर बिल्कुल तिरछे हो गए थे, तो मतलब नीचे गिरने वाली थी। तो जो रोड साइड पाइप लगाए रहते ना पौड़ी वाली रोड पे है पाइप, तो उन पे अटक मतलब लगे टायर और गाड़ी सीधा रुक गई, झटके से रुक गई, तो मतलब बच गए हम। उस टाइम पे इतना डर लगाना लगा कि यही लास्ट जर्नी है, पर भगवान ने बचा लिया और थोड़ा भी पैदल चलना पड़ा। पर मतलब मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गाड़ी का ऐसा वैसा हुआ होगा, ख़राब हुई होगी, तो खैर बच गया हूँ तो ब्लॉग बना रहा हूँ। और आप ब्लॉग में मुझे देख रहे हो तो अपना प्यार जरूर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और जो चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलता हूँ मैं अनुज आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। नाइट तो नहीं हुई अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।